नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस में। एक सर्कुलर इशू किया गया है, सर्कुलर नंबर 129/48/2019 ऑफ जीएसटी, और यह सर्कुलर आज ही इशू किया गया है। और बेसिकली इसमें उन लोगों के लिए कुछ बताया है जिन लोगों ने अपनी GSTR 3B फाइल नहीं की है। तो यहाँ पर बेसिकली एक प्रोसीजर बताया है कि यह प्रोसीजर अब GST डिपार्टमेंट फॉलो करेगा उन लोगों के लिए जो लोग अपनी रिटर्न्स टाइम पर फाइल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर जो भी अपनी GST रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करते हैं उन लोगों के लिए बेसिकली यह प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। डाउट्स हैव बीन रेज्ड अक्रॉस द फील्ड फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्रोप्रिएट प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ नॉन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39, सेक्शन 44 और सेक्शन 45 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। तो यहाँ पर कहा गया कि जो भी व्यक्ति सेक्शन 39, सेक्शन 44 और सेक्शन 45 के तहत अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करते थे, तो ऐसे में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वहाँ पर डिफरेंट प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जा रहे थे। इट हैज़ बीन फर्दर बीन ब्रॉट टू द नोटिस दैट डाइवर्जेंट प्रैक्टिसेस आर बीइंग फॉलोड इन केस ऑफ नॉन फर्निशिंग ऑफ द सेड रिटर्न्स। तो कहीं पर नोटिसेस दिए जा रहे थे, कहीं पर नोटिसेस नहीं दिए जा रहे थे। तो ऐसे में द मैटर्स हैज़ बीन एग्जामिन्ड इन ऑर्डर टू क्लेरिफाई द इशू एंड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर प्रोविजन्स ऑफ द लॉ अक्रॉस फील्ड फॉर्मेशन द बोर्ड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 168 सबसेक्शन 1 ऑफ द CGST एक्ट हेयर बाय इश्यूज द फॉलोइंग क्लेरिफिकेशंस एंड गाइडलाइंस। तो यहाँ पर बेसिकली यह इंश्योर करने के लिए कि यूनिफॉर्मिटी, कि एक जैसा प्रोसीजर ऑल ओवर इंडिया अप्लाई किया जाए, उसके लिए यहाँ पर कुछ क्लेरिफिकेशंस और कुछ गाइडलाइंस दी जा रही हैं बाय द CBIC। सेक्शन 46 ऑफ द CGST एक्ट रेड विद रूल 68 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स 2017 requires issuance of a notice in form GSTR 3A to a registered person who fails to furnish return under section 39 or section 44 or section 45 herein referred to as the defaulter requiring him to furnish such return within 15 days. तो यहाँ पर कहा गया कि जिन भी लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है सेक्शन 39, सेक्शन 44 और सेक्शन 45 के तहत, तो ऐसे में उन लोगों को फॉर्म GSTR 3A में नोटिस दिया जाएगा और उस नोटिस में कहा जाएगा कि आप 15 दिनों के अंदर अपनी GST रिटर्न फाइल कर दें। फर्दर सेक्शन 62 प्रोवाइड्स फॉर असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश रिटर्न under section 39, section 45, even after service of notice under section 46. तो यहाँ पर कहा गया कि according to section 62, section 62 के तहत अगर आप notice देने के बाद भी अपनी return file नहीं करते हैं तो ऐसे में आपकी assessment कर दी जाएगी और आपकी tax liability determine कर दी जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली फॉर्म GSTR 3A में आपको नोटिस दिया जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि 15 दिनों के अंदर आप अपनी GST रिटर्न फाइल कर दें, और आप 15 दिनों के अंदर अपनी GST रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ऐसे में सेक्शन 62 के तहत आपकी असेसमेंट कर दी जाएगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर दी जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया कि नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 46 फॉर नॉट फाइलिंग रिटर्न कैसे दिया जाएगा। तो यहाँ पर नोटिस में बेसिकली जिस टैक्स पीरियड के लिए आपने रिटर्न फाइल नहीं की है वो टैक्स पीरियड मेंशन किया जाएगा, टाइप ऑफ रिटर्न, कौन सी रिटर्न आपने फाइल नहीं की है वो यहाँ पर दिया जाएगा नोटिस के अंदर, और साथ ही कहा जाएगा बीइंग ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न फॉर द सप्लाइज मेड और रिसीव्ड
एंड टू डिस्चार्ज रिजल्टेंट टैक्स लाइबिलिटी फॉर द अफोर्सेड टैक्स पीरियड बाई ड्यू डेट। इट हैज़ बीन नोटिस दैट यू हैव नॉट फाइल द सेड रिटर्न टिल डेट। तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपकी लाइबिलिटी है कि आप अपनी रिटर्न टाइम पर फाइल करें, लेकिन यहाँ पर नोटिस किया गया है कि आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है। तो यहाँ पर कहा गया यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू फर्निश दिस सेड रिटर्न विद इन 15 डेज, फेलिंग विच द टैक्स लाइबिलिटी मे बी असेस्ड अंडर सेक्शन 62 ऑफ द एक्ट। तो कहा गया कि 15 दिनों के अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल कर दें, अदरवाइज सेक्शन 62 के तहत आपकी टैक्स लाइबिलिटी असेस कर दी जाएगी बाय द ऑफिसर बेस्ड ऑन द रेलिवेंट मटेरियल अवेलेबल विद हिज ऑफिस। जो भी ऑफिसर के पास रेलिवेंट मटेरियल होगा उसके बेस पर वह आपकी टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन कर देगा। वह रेलिवेंट मटेरियल क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने अपनी GSTR 1 फाइल कर दी है लेकिन GSTR 3 भी अभी फाइल नहीं की है, तो ऐसे में GSTR 1 के बेसिस पर वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। उसी तरह मान लीजिए GSTR 2A में आपकी जो परचेज रिफ्लेक्ट हो रही है, इनवर्ड सप्लाई जो रिफ्लेक्ट हो रही है, उसके बेसिस पर भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन की जा सकती है। प्लीज़ नोट दैट इन एडिशन टू टैक्स सो असेस्ड यू विल ऑल्सो बी लाइबल टू पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पर टैक्स तो आप पे करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा इंटरेस्ट भी पे करना होगा और पेनल्टी भी पे करनी होगी। प्लीज़ नोट दैट नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी इश्यूड फॉर असेसिंग द लाइबिलिटी। तो यहाँ पर एक बार अगर आपको फॉर्म GSTR 3A में नोटिस दे दिया गया, उसके बाद आपको दोबारा कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा। द नोटिस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन विदड्रॉन इन केस द रिटर्न रेफर्ड अबव इज फाइल्ड बाई यू बिफोर इश्यू ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर। तो यहाँ पर कहा गया कि सेक्शन 62 में असेसमेंट करने से पहले अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ऐसे में यह नोटिस विदड्रॉ कर लिया जाएगा, दैट मीन्स यह नोटिस खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ऐसे में सेक्शन 62 के तहत आपकी टैक्स लाइबिलिटी असेस कर दी जाएगी। एज सच नो सेपरेट नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 62। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जैसे ही आपको GSTR 3A में नोटिस दे दिया गया, उसके बाद अगर आपने 15 दिनों के अंदर रिटर्न फाइल नहीं की, तो सेक्शन 62 में आपकी जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाएगी उसके लिए फर्दर अलग से कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड इन केस ऑफ फेलियर टू फाइल रिटर्न विद इन 15 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ फॉर्म GSTR 3A, द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इन फॉर्म ASMT 13 कैन बी इशूड विदाउट एनी फर्दर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर और कोई फर्दर कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं किया जाएगा और कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, सीधा फॉर्म ASMT 13 में आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी जाएगी। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब है कि जो ऑफिसर को उसके अकॉर्डिंग बेस्ट लगता है, सही लगता है, उसकी हिसाब से असेसमेंट कर दी जाएगी। साथ ही फॉलोइंग गाइडलाइंस आर हियर बाय प्रिस्क्राइब्ड, तो कुछ गाइडलाइंस भी यहाँ पर दी गई है टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द इम्प्लीमेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ अक्रॉस द फील्ड फॉर्मेशन। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि जब भी GST रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट होगी उससे 3 दिन पहले सभी रजिस्टर्ड पर्सन्स को मैसेज भेजे जाएंगे कि आप अपनी रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल कर दें। तो सबसे पहले कहा गया प्रेफरेबली ए सिस्टम जनरेटेड मैसेज वुड बी सेंड टू ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन्स 3 डेज बिफोर द ड्यू डेट टू नज दैम अबाउट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड बाय द ड्यू डेट। तो इस 3 दिन पहले वाले मैसेज में आपसे कहा जाएगा कि ड्यू डेट से पहले आप अपनी रिटर्न फाइल कर दें। उसके बाद जैसे ही ड्यू डेट ओवर हो जाती है, ड्यू डेट खत्म हो जाती है, ड्यू डेट चली जाती है, उसके बाद उन लोगों को मैसेज भेजा जाएगा जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है। ओवर द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इज ओवर ए सिस्टम जनरेटेड मेल मैसेज वुड बी सेंट टू ऑल द डिफॉल्टर्स इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट टू दैट इफेक्ट द सेड रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड हिज रिटर्न फॉर द सेड टैक्स पीरियड। The said mail message is to be sent to the authorized signatory as well as the proprietor, partner, director, karta, etc. तो जैसे ही ड्यू डेट खत्म हो जाती है उसके बाद इमीडिएटली
मेल या मैसेजेस उन लोगों को भेजे जाएंगे जिन लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है। आफ्टर दैट, ड्यू डेट के जब 5 दिन चले जाते हैं, ड्यू डेट से 5 दिन के बाद आपको फॉर्म GSTR 3A में नोटिस भेजा जाएगा कि 15 दिन के अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल कर दें। 5 days आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, ए नोटिस इन फॉर्म GSTR 3A शेल बी इश्यूड इलेक्ट्रॉनिकली टू सच रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39 रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश सच रिटर्न विद इन 15 days। तो इलेक्ट्रॉनिकली यह नोटिस आपको भेजा जाएगा, दैट मीन्स आपके पोर्टल पर यह आपको रिफ्लेक्ट होगा फॉर्म GSTR 3A, जिसमें आपसे कहा जाएगा कि आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, 15 डेज के अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल कर दें। उसके बाद इन केस द सेड रिटर्न इज स्टिल नॉट फाइल्ड बाय द डिफॉल्टर विद इन 15 डेज ऑफ द सेड नोटिस, द प्रॉपर ऑफिसर मे प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सेड पर्सन अंडर सेक्शन 62। तो 15 दिन के अंदर भी अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 62 के तहत आपकी टैक्स लायबिलिटी असेस कर देगा टू द बेस्ट ऑफ द जजमेंट, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रेलिवेंट मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल और which has gathered the relevant material which is available or which he has gathered and would issue order under rule 100 of the CGST rules in form GST ASMT 13। तो यहाँ पर form GST ASMT 13 में वह अपना assessment order pass कर देगा on the basis of relevant material जो उसके पास available है और जो उसने इकट्ठे किए हैं। The proper officer would then be required to upload the summary thereof in form GST DRC 07। तो उस assessment की जो summary है वो आपकी form GST DRC 07 में upload कर दी जाएगी। For the purpose of assessment of tax liability under section 62 of the CGST Act, the proper officer may take into account the detail of outward supplies available in statement furnished under section 37, that is form GST R1, details of supplies auto-populated in form GST R2A, information available from e-way bills or any other information available from any other source including from inspection under section 71। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि सेक्शन 37 में जो GST R1 आपने फाइल की है उसके बेसिस पर वह आपकी टैक्स लायबिलिटी निकाल सकता है। जो GST R2A में जो आपकी इनवर्ड सप्लाईज ऑटो पॉपुलेट हो रही है उसके बेसिस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी निकाल सकता है। ईवे बिल्स जो आपने जनरेट किए हैं उनके बेसिस पर टैक्स लायबिलिटी निकाल सकता है। और इसके अलावा और किसी अन्य सोर्स से भी उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो इंस्पेक्शन की हो उसने सेक्शन 71 में, तो इन सभी जगहों से वह आपकी जो डिटेल्स है उसके बेसिस पर आपकी असेसमेंट कर सकता है और टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर सकता है। उसके बाद कहा गया कि जैसे ही असेसमेंट ऑर्डर फॉर्म GST ASMT 13 में दे दिया जाता है, अगर विद इन 30 डेज भी एक वैलिड रिटर्न वह फाइल कर देता है तो ऐसे में यह असेसमेंट ऑर्डर भी विड्रॉ कर लिया जाएगा। इन केस द डिफॉल्टर फर्निश ए वैलिड रिटर्न विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर इन फॉर्म GST ASMT 13, द सेट असेसमेंट ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन विड्रॉन इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 62 ऑफ द CGST एक्ट। However, if the said return remains unfurnished within the statutory period of 30 days from the issuance of order in form GST ASMT 13, then proper officer may initiate proceeding under section 78 and recovery under section 79 of CGST Act। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर assessment भी आपकी हो जाती है और उसके 30 दिन के अंदर भी अगर आप return file कर देते हैं तो भी हम यह assessment आपकी विड्रॉ कर लेंगे, यह मानेंगे ही नहीं कि कोई आपकी असेसमेंट की गई है। लेकिन अगर आप 30 दिन के अंदर भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ऐसे में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सेक्शन 78 के तहत जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट कर सकता है और सेक्शन 79 के तहत रिकवरी एक्शन ले सकता है। तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। दैट मीन्स ड्यू डेट से 3 दिन पहले सभी को मैसेजेस मेल की जाएंगी कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए, और जैसे ही ड्यू डेट खत्म हो जाती है उसके बाद उन सभी व्यक्तियों को मेल और मैसेज किए जाएंगे जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की है। ड्यू डेट के 5 दिन के बाद फॉर्म GST
R3A नोटिस इशू किया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की है, जिसमें कहा जाएगा 15 डेज़ के अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। और अगर 15 डेज़ के अंदर रिटर्न फाइल नहीं की जाती है तो फॉर्म GST ASMT 13 में असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। उसके ऑर्डर के बाद भी 30 दिन के अंदर अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो जो असेसमेंट ऑर्डर है वह विड्रॉ कर लिया जाएगा। अदरवाइज जो रिकवरी है और जो भी प्रोसीडिंग्स है सेक्शन 78 और 79 के तहत वो आपके लिए इनिशिएट कर दी जाएंगी। उसके साथ ही अबव जनरल गाइडलाइंस मे बी फॉलोड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन केस ऑफ नॉन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन डिजर्विंग केसेस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस द कमिश्नर मे रिजोर्ट टू प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट रिवेन्यू अंडर सेक्शन 83 ऑफ द CGST एक्ट बिफोर इशुएंस ऑफ फॉर्म GST ASMT 13। तो अगर यहाँ पर कहा गया कि जो फॉर्म GST ASMT 13 में जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है उससे पहले ही यह लगता है कि जो SSC है वह जो भी प्रॉपर्टी है उनको ट्रांसफ़र कर सकता है या जिससे भी रिवेन्यू को खतरा होने वाला है, तो उस केस में जो कमिश्नर है वह अटैचमेंट भी कर सकता है। फर्दर द प्रॉपर ऑफिसर वुड इनिशिएट एक्शन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 ऑफ द CGST एक्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस वेयर द रिटर्न हैज नॉट बीन फर्निश्ड फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 29। तो अगर सेक्शन 29 के तहत जो भी पीरियड दिया गया है उस पीरियड के अकॉर्डिंग आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो ऐसे में वह कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए भी जा सकता है। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट स्टेबल ट्रेड notices मे बी इशूड टू पब्लिसाइज द कंटेंट्स ऑफ दिस सर्कुलर। तो यहाँ पर ट्रेड notices इशू किए जा सकते हैं ताकि जो बिजनेसमैन हैं उनको पता चल सके कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपके अगेंस्ट क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। तो यह बेसिकली सर्कुलर इशू किया गया था जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो ऐसे में ध्यान रखें कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो क्या प्रोसीजर डिपार्टमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्स।